Well, hello friends, today we will discuss usual topology, discrete topology, indiscrete topology. These are what kind of a topological space are there. तो सबसे पहले डेफिनेशन है हमारे पास यूजुअल टोपोलॉजी क्या होती है. यूजुअल टोपोलॉजी की डेफिनेशन के लिए मैंने यहाँ पे ना रियल नंबर्स के सेट को यूज़ किया है ताकि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो अच्छे से हो पाए कि एक्चुअली यूजुअल टोपोलॉजी हम किसको बोलते हैं. देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन को जल्दी से रीड कर लेते हैं. तो अ टोपोलॉजी ऑन द रियल लाइन इज गिवन बाय द कलेक्शन ऑफ इंटरवल्स ऑफ द फॉर्म ए बी. यहाँ ये जो फॉर्म ए बी का मतलब क्या है, ये ओपन इंटरवल को शो कर रहा है, ओपन सेट को शो कर रहा है एक टाइप से. ठीक है, रियल लाइन है तो हम ओपन इंटरवल वर्ड बोल सकते हैं. अलोंग विद द आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ सच इंटरवल्स. अब ओपन इंटरवल्स है और उनकी यूनियन, उसको नाम क्या दे दिया, आई. आई इज इक्वल टू द ओपन इंटरवल्स और ए बी कुछ भी हो सकते हैं यहाँ से. तो देन द सेट एक्स इज इक्वल टू आर, यानी कि इसी आर को एंड टाओ दैट विल बी यूनियन ऑफ ऑल आई अल्फा. ऐसे बहुत से आईज की यूनियन कर दें तो इसको एक टोपोलॉजिकल स्पेस जब ये बनेगा, और उस टोपोलॉजिकल स्पेस को हम बोलेंगे कि एक यूजुअल टोपोलॉजी है. अब देखो बच्चों, इसको थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. देखो मान लीजिए मेरे पास ना एक रियल लाइन है, दिस वन. ठीक है, तो इस रियल लाइन के ऊपर इनफाइनाइट नंबर्स भी हैं. इसमें से मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास कोई एक पॉइंट है ये वाला, कोई एक पॉइंट ये है, कोई ये है और कोई ये है. इन सभी पॉइंट्स पे ना ओपन इंटरवल बन रहे हैं, यानी कि इसको लेके भी ओपन इंटरवल बन रहा है, इसको लेके भी ओपन इंटरवल, इसको भी लेके और इसको भी लेके. ठीक है, सभी ओपन इंटरवल बन रहे हैं. तो इनकी जो एक कलेक्शन मैंने की, इसको मैंने एक सेट का नाम दे दिया और इसको नाम दे दिया मैंने आई. हो सकता है इसको मैं नाम दे दूँगा आई वन. ऐसे ही और भी बहुत सारे पॉइंट होंगे ना, और आगे चले गए हमने, ये देखो दो तीन पॉइंट और लिए, इन पे भी ओपन इंटरवल बन रहा है, इस पे भी और इस पे भी, इसे सभी ओपन इंटरवल्स हैं. तो इनको भी अपन ने कलेक्ट किया और इसको नाम क्या दे दिया, आई टू. ऐसे करते करते चले गए और आगे भी बहुत से अपने को पॉइंट्स मिले जिनके ऊपर ओपन इंटरवल्स क्रिएट बन रहे थे, और उन सबको अपन ने कलेक्ट किया और नाम देते गए. ठीक है, और इसको अपन आई अल्फा तक चले गए, आई एन तक चले गए, जो भी होंगे. ठीक है, अब क्या करें, एक टाइप से ये ओपन इंटरवल की कलेक्शन हो गई. जब ओपन इंटरवल्स का जो सेट बनता है, यानी कि ओपन सफियर का जो सेट होता है, वो एक ओपन सेट होता है जिसका हर एक पॉइंट एक ओपन इंटरवल बना है, दैट इज ओपन सेट. यानी कि ये भी क्या है, एक ओपन सेट है, और इसी तरीके से ये भी ओपन सेट है और ये भी ओपन सेट है. तो इन्हीं ओपन सेट्स को ना अपने कलेक्ट कर लिया और उसको डाल दिया कहाँ पे, टाओ के अंदर. ठीक है, और जब इसको टाओ के अंदर डाला तो अपन इसको ऐसे लिख दिया कि जी ये क्या है, ये यूनियन है सभी आई अल्फा की, यानी कि जितने भी इस टाइप के ओपन सेट्स बन रहे हैं सबकी यूनियन है. और ये आई अल्फा कहाँ से लेना है जी, ये है आई अल्फा बिलोंग करेंगे किसको, आई को. और आई क्या है, आई एक टाइप से ओपन इंटरवल्स की एक कलेक्शन है, यानी कि उनका एक ओपन सेट है, दैट्स ऑल. तो इन सबको बनाया हमने टाओ, और ये जो सारे सेट बने थे ये बन किसके ऊपर रहे हैं, ये बन रहे हैं रियल लाइन के ऊपर. तो इसका मतलब जब मैं इस आर और टाओ को ऐसे देखता हूँ, आर एंड टाओ को, तो ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस बना रहे हैं, और इस टोपोलॉजिकल स्पेस को हमने नाम दे दिया क्या, यूजुअल टोपोलॉजी. अब आप कहेंगे सर इसमें यूजुअल टोपोलॉजी वाली क्या बात हुई, ये तो समझ में नहीं आया. भाई यूजुअल टोपोलॉजी ना एक वर्ड यूज़ किया है अपन ने, ओपन सेट, ओपन इंटरवल. ठीक है, इस वर्ड से ही यूजुअल टोपोलॉजी का पूरा लिंक है. अगर ये ओपन इंटरवल नहीं होता तो मैं इसको यूजुअल टोपोलॉजी नहीं बोलता, यानी कि रियल लाइन के ऊपर जब हम ओपन इंटरवल से ऐसी कलेक्शन करके टोपोलॉजिकल स्पेस क्रिएट करते हैं दोस्तों, तो उसको यूजुअल टोपोलॉजी बोला जाता है. अब देखो मान लो अब आपके माइंड में एक चीज़ और आएगी कि टोपोलॉजी तो हमने अभी पढ़ी कि टोपोलॉजी में तीन चीज़ें होती हैं सर. पहली में हम बोलते हैं कि कोई सेट है एक्स वाला, और उसमें तीन प्रॉपर्टीज एक्स और टॉ को मिला के हमने बनाते हैं कि एक एक्स होता है जी, और एक बनाते हैं टॉ जो कि उसके सबसेट की कलेक्शन होती है. ये दोनों चीज़ें मिलके क्या बनाते हैं, एक टोपोलॉजी बनाते हैं, एक टोपोलॉजिकल स्पेस बनाते हैं. ये पढ़ा आपने, और इसमें अपने तीन प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि जो पहली तो पढ़ी कि जी एक्स और फाई जो है ना ये आपके इस टॉ के अंदर होने चाहिए, ये जो सबसेट बनेगा. ठीक है ना, सबसेट की कलेक्शन बनेगा. दूसरा आपने पढ़ा कि उन सब की इंटरसेक्शन
जो भी सबसेट्स होंगे वो भी टाउ के पास होनी चाहिए, ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। और तीसरी बात, उनकी यूनियन भी क्या होनी चाहिए, टाउ में होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर ये टॉपोलॉजिकल स्पेस तो बना दिया आपने, इन तीनों के बारे में तो कोई बात ही नहीं करी, क्योंकि टॉपोलॉजी वर्ड आ गया तो ये तीनों बातें तो होनी चाहिए, इसके बिना तो टॉपोलॉजी का मतलब नहीं होता कोई। देखो दोस्तों, ये तीनों बातें ऑलरेडी होल्ड कर चुके हैं ये, क्यों, क्योंकि हमने ना कल जो लास्ट एक लेक्चर पढ़ाया मैंने, उसमें भी इसकी एक डेफिनेशन आपको कराई थी ओपन सेट्स की, कि अगर मैं आर की और उसके सारे ओपन सेट्स की बात करता हूँ तो फाई अपने आप में ओपन होता है और आर अपने आप में ओपन होता है। अगर मैं ले रहा हूँ आर इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सेट्स, ठीक है, और इंटरसेक्शन ओपन सेट्स की ओपन सेट रहती है, यूनियन ओपन सेट्स की, फाइनाइट ओपन सेट्स की ओपन सेट रहती है, ये बात हम आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसलिए ये तीनों बातें ना इसमें होल्ड हो रही हैं। दैट्स वाई दिस आर एंड टाओ एक टॉपोलॉजी ऑलरेडी है, बट इसको यूजुअल टॉपोलॉजी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक ओपन इंटरवल और ओपन सेट नाम की चीज़ जुड़ गई है। ओके, कुछ कुछ चीज़ समझ में आई। अब देखो, आपने एक चीज़ और पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, ये वाला एक्स डी, और ये क्या था दोस्तों, एक्स डी इसको बोलते थे मीट्रिक स्पेस, है ना, इज अ मीट्रिक स्पेस, और इसमें जो आपका डी है वो क्या काम कर रहा था, वो एक डिस्टेंस फंक्शन के रूप में काम कर रहा था। तो मीट्रिक्स और मीट्रिक स्पेस ना अपने आप में एक यूजुअल टोपोलॉजी होता है, मीट्रिक स्पेस अपने आप में एक यूजुअल टोपोलॉजी बनती है। अब ये मीट्रिक स्पेस की यूजुअल टोपोलॉजी क्यों है भाई, अब देखो हम ना मीट्रिक स्पेस में, मान लो आपके पास ये मीट्रिक्स, देखो दो चीज़ें हैं, रियल नंबर पे जब मैं आपको बताया तो वो रियल लाइन थी, जब स्पेस वर्ड यूज़ हो रहा है तो आप समझो कि एक आपके पास पूरा स्पेस, यानी कि 3D 4D जैसे भी आप लगा सकते हो, कि पूरे स्पेस के अंदर जो है ना वो सेट ओपन सफियर, ओपन बॉल्स, ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, और रियल लाइन के ऊपर ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करते हैं। तो अब ये क्या है, मैट्रिक स्पेस, यानी कि एक एक्स डी मैट्रिक स्पेस है, ये एक्स सेट होगा, एक्स सेट होगा तो उसके पास बहुत से नंबर्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। अब मैं कह रहा हूँ कि ये एक यूजुअल टोपोलॉजी है। अब यूजुअल टोपोलॉजी क्यों है, इसकी बात सुनो। सबसे पहली बात, इसके अंदर अगर मैं फाई और एक्स की बात करूं कि एक फाई और एक्स खुद, ध्यान देना, फाई एंड एक्स खुद, इन मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी ओपन रहते हैं, आर ऑलवेज ओपन, और किसके अंदर, इन एक्स डी। और ये इसके ऊपर एक थ्योरम भी है, अब आपने अगर बीएससी में मैट्रिक्स स्पेस पढ़ा है तो आपने एक थ्योरम जरूर पढ़ी होगी। अब ये ओपन क्यों रहते हैं भाई, फाई फाई तो ओपन होते ही, तो अब एक्स के बारे में बहुत से लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, सर एक्स क्यों ओपन है, एक्स तो पूरा सेट है ना भाई, इट इज़ ओपन। देखिए, मैं जब इस मैट्रिक्स स्पेस को यूजुअल टोपोलॉजी कह रहा हूँ तो मैं इस सिंपली जो भी एक्स के अंदर दिया उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी एक मैट्रिक्स स्पेस बना हुआ है। अब जब अगर मैट्रिक्स स्पेस बना हुआ तो इसका मतलब वो चार प्रॉपर्टी जो ना डिस्टेंस फंक्शन वाली, ये होल्ड कर रहा है। जब ये चार प्रॉपर्टी डिस्टेंस फंक्शन वाली होल्ड करता है ना, तो ये अपने आप में ओपन बन जाता है, गेटिंग यू पॉइंट, क्योंकि वो डिस्टेंस फंक्शन अप्लाई होता है यहाँ पे, तो ये अपने आप में ओपन बन जाता है। और दूसरी प्रॉपर्टी तो दैट इज़ क्वाइट ईजी, इंटरसेक्शन वाली भाई, इंटरसेक्शन हमेशा फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट एक्स डी के अंदर ओपन होते हैं। फिर मैं लाइन लिख देता हूँ, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट ओपन सेट इन एक्स डी आर ऑलवेज ओपन, ठीक है ना, तो ये भी ओपन होगा। और सिमिलरली थर्ड बात अगर मैं करूं कि इसी तरीके से यूनियन जो होगी ऑफ फाइनाइट ओपन सेट इन एक्स डी, ये भी ओपन। ये दूसरी और तीसरी बात को तो मुझे लगता है आप सबको इस पे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी यार, ये तो कन्फर्म है, ये बात हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। तो ये तीनों बातें होल्ड कर रही हैं, तीनों बातें होल्ड कर रही हैं, तो यानी कि जो मैट्रिक स्पेस ऑलरेडी स्पेस था तो ये एक टॉपोलॉजी भी बन रही है। टॉपोलॉजी में तीन ही तो बातें होती हैं वाली, तो ये तीनों बातें इसके साथ एसोसिएट कर दी मैंने, और जब ये तीनों बातें एसोसिएट कर दी तो इसका मतलब ये एक यूजुअल टॉपोलॉजी बन गया, दिस इज़ अ यूजुअल टॉपोलॉजी। अब आपके माइंड में ये आएगा कि सर इसके जो सब सेट हैं वो कहाँ हैं, सेट कहाँ चले गए, कौन से सेट की यूनियन, कौन से सेट की इंटरसेक्शन की आप बात कर रहे हैं। तो भाई इसमें ना ये जो एक्स बना हुआ है इसके अंदर जितने भी आपने सबसेट बनाए हैं, क्योंकि जब तक आप सबसेट नहीं बनाते
तब तक तो टोपोलॉजी की बात ही नहीं होती। टोपोलॉजी की बात शुरू ही सबसेट से होती है। तो इसमें जितने भी सबसेट हमने बनाए हैं, ये मैं बहुत से सबसेट यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ, ये बहुत से सबसेट इसके अंदर ऑलरेडी बने हुए हैं। और इन सबसेट और ये सारे क्या हैं, ये ओपन हैं। ओके, दीज आर ऑल ओपन, दैट्स वाई दिस इज यूजुअल टोपोलॉजी। तो इन सबसेट्स की यूनियन करो, इनकी इंटरसेक्शन करो, तो वो तो ओपन आएगी क्योंकि दीज आर ऑल आर ओपन। और इन्हीं ओपन सेट्स से मिलके एक्स बना है, तो इसलिए एक्स भी तो ओपन होगा। तो फाई एंड एक्स आर ऑलवेज ओपन, और ये दोनों बातें इसमें होल्ड करती है। तो एक्स डी एक यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस होता है भाई। ओके, अब चलते हैं अगली बात पे। अब है डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। ये कौन से टाइप की टोपोलॉजी होती हैं? डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, द टोपोलॉजी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ एक्स इज कॉल्ड द डिस्क्रीट टोपोलॉजी। पहली बात, जो सारे सबसेट कंसिस्ट करता हो उसको बोलते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी। बड़ी सिंपल सी बात है। मान लो आपके पास ना एक सेट है एक्स, ये वाला, और उसके पास एलिमेंट है 1, 2 और 3। तो हमने टाउ एक सेट बनाना है, क्योंकि टोपोलॉजी में टाउ यानी कि उसके सबसेट की कलेक्शन, ये तो बनना ही बनना है। तो वो अपने बनाना शुरू कर दिया जी, 5 बन जाएगा जी, एक 1 बन जाएगा जी, फिर 2 भी बनेगा जी, फिर 3 भी बनेगा जी, और फिर एक 1, 2 भी बनेगा, और फिर एक 1, 3 भी बनेगा जी, और फिर एक 2, 3 भी होगा, और एक लास्ट होगा 1, 2 और 3। ठीक है जी, सभी बन गए ना। तो ये बन गई इसके सारे सबसेट की कलेक्शन। और जब इस जो ये सबसेट की कलेक्शन टॉप बनाया आपने, इसमें जितने भी सबसेट बन सकते हैं, जितने पॉसिबल सबसेट्स हैं, अगर वो सारे आ जाएं तो इसको बोलते हैं क्या, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। यानी कि अब जब, क्योंकि इसमें कुछ भी छोड़ा नहीं है अपने, तो अब जब इन दोनों को मिलाओगे और आप एक्स टी लिखने की कोशिश करोगे, तो ये जो एक्स टी एक टोपोलॉजिकल स्पेस होगा, ये कैसा होगा दोस्तों, ये डिस्क्रीट होगा। ये कैसा होगा, ये डिस्क्रीट होगा, ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी, क्योंकि इसके सबसेट सारे आ गए। अब जब सारे सबसेट आ जाने, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको पावर सेट बोलते हैं। यानी कि ये टाउ किसके इक्वल हो गया, अपने एक्स के पावर सेट के, तो पी एक्स लिख सकते हैं। तो यानी कि आपको बहुत सी बुक में ये डेफिनेशन भी मिलेगी कि टाउ इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स का मतलब इसके, इसका पावर सेट जो होगा। तो पावर सेट होता है सबसेट्स का, पूरे सबसेट्स की कलेक्शन को पावर सेट बोल देते हैं। तो ये बन गया पी एक्स, तो टाउ इज इक्वल टू पी एक्स हो गया। तो तब क्या होगा, डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी। और दूसरी डेफिनेशन में बोला गया कि टोपोलॉजी ऑफ एक्स कंटेनिंग एक्स एंड, यहाँ सॉरी लिखना भूल गए, फाई ओनली इज द इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। यानी कि जब आपके पास ये एक्स सेट हो और इसके सिवा कुछ ना हो, यानी कि इसके सबसेट बने ही नहीं, यानी कि आपने एक तो एक्स था आपके पास 1, 2, 3 करके, और दूसरा आपने बनाया टाओ, और उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा, फाई लिखा और 1, 2, 3 लिखा। चलिए जी, यानी कि आपने और कोई सबसेट है ही नहीं आपके पास, तो ऐसे वाली को क्या बोलते हैं दोस्तों, ऐसे वाली को बोलते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी को एक वर्ड और बोलते हैं, ट्रिवियल टोपोलॉजी। ठीक है, ट्रिवियल टोपोलॉजी इसको बोलते हैं, इसको ये भी बोलते हैं। ठीक है, तो कई बुक्स में आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी आपको समझ में आई क्या होती है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी, और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है, और यूजुअल टोपोलॉजी क्या होती है। ठीक है, यूजुअल में ओपन सेट्स की बात होगी, बस इस चीज़ को याद रखना। और डिस्क्रीट में उसके सारे के सारे सबसेट आने चाहिए, और इनडिस्क्रीट में उसका कोई भी सबसेट नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये तीन टाइप की टोपोलॉजी होती हैं, और ये एक्चुअली क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस पे आ गए हैं अब हम। टोपोलॉजी क्या होती है वो डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, और दीज आर द टोपोलॉजिकल स्पेस। अब इसके बाद हम धीरे धीरे एग्जांपल्स करेंगे, और फिर हम थोड़ी अच्छी अच्छी थ्योरम्स को भी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस। कीप वॉच, कीप सपोर्ट, थैंक यू सो मच।